दोस्तों, जिस फास्ट फूड को हम कभी कभी शौकिया तौर पर खाया करते थे, संडे सैटरडे खाया करते थे, आज वो फास्ट फूड हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वो प्रोसेस्ड फूड जो हमें पैकेट्स में मिलता है, बच्चे दिन भर में न जाने कितने पैकेट्स कंज्यूम कर जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, हम बड़े लोग भी बहुत बार प्रोसेस्ड फूड इतना खा लेते हैं जिसकी वजह से आगे जा करके हमें फैटी लीवर की शिकायत होने लगती है। फैटी लीवर का मतलब ये हुआ कि आपका जो जिगर है, आपका जो लिवर है, उस पर फैट चढ़ने लगता है और वहाँ पर सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से आपको असहनीय दर्द होने लगता है और आप उसके लिए ज़िंदगी भर अपनी दवाइयों का सेवन करने लगते हैं और आपको उन एलोपैथिक दवाइयों से छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर उन सभी बीमारियों के बारे में वर्णन किया गया है जिन बीमारियों के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जो आपके फैटी लीवर पर आपको मदद करके देगा। तो अगर आप भी परेशान हैं अपनी फैटी लीवर की समस्या से, या आपके घर में कोई या आपके नज़दीक में कोई परेशान है फैटी लीवर की समस्या से, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले टिप का इस्तेमाल करें अपने उन मिलने वालों की खुद की इस समस्या को खत्म करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, जिसके बिना हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर में जमा गंदगी के निकलने की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। और इसी वजह से अगर यही अंग बीमार हो जाए तो सोचिए कि हमारा शरीर एक कूड़ेदान की तरह हो जाएगा और इस कूड़ेदान के अंदर कितनी सारी बीमारियां जन्म लेने लगेंगी। तो बहुत ज़रूरी है लिवर को हेल्दी रखना, और इसीलिए हम बहुत बार आपको बोलते हैं कि अगर आपको लिवर को ठीक रखना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, एक ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा जिसमें आप रूटीन में एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें और साथ के साथ में एक अच्छी नींद भी लें, क्योंकि ये चारों चीज़ें मिलकर के ही एक अच्छा पैकेज बनाती हैं जिसकी वजह से आपका लीवर फिट एंड हेल्दी रह पाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग अपने लीवर को बीमार कर ही डालते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक रास्ता बचता है आयुर्वेद का, मेरा पसंदीदा रास्ता, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी पसंदीदा हो गया होगा, क्योंकि COVID-19 की सिचुएशन में हम सब ने जब अपने को इस बीमारी से लड़ने के लिए देखा तो हमने सिर्फ आयुर्वेद की तरफ नजर की, क्योंकि आयुर्वेद ने ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाया और आज भी हम इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से अपने आप को COVID-19 से बचाए हुए हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर एक जड़ी बूटी आती है, एक हर्ब आती है जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा फैटी लीवर के लिए एक अतुलनीय हर्ब का काम करती है, एक ऐसी हर्ब जिसकी वजह से आप फैटी लीवर की अगर प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो उसे 100% रिवर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके शरीर में आज फैटी लीवर नहीं है और आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, तो भी आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस अश्वगंधा का प्रयोग करना होगा आपको एक विशेष विधि के साथ में, जो विधि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अश्वगंधा करता क्या है? तो अश्वगंधा का सबसे पहला काम होता है आपके शरीर की जो हरेक जो कोशिका है, जो प्रत्येक सेल जो है, उसको रिलैक्स करना। जब वो रिलैक्स होती है, जब उसके अंदर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, जब उसके अंदर किसी तरह की एंजाइटी नहीं होती है, तो आपके शरीर की हर कोशिका की जो जीवन है, जो लाइफ स्पैन है, वो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मदद मिलती है फैटी लिवर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नंबर टू, ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर के अंदर खाना पचने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करती है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है उसमें फैट जमा नहीं होता। जब उसमें फैट जमा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नंबर तीन जो इसका काम होता है वो अश्वगंधा का होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। ये आपके शरीर में जो जितने भी जमे हुए टॉक्सिन्स होते हैं उसको आपके शरीर से निकालती है, आपके शरीर का शुद्धिकरण करती है, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को वो रिलैक्स करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग, मैं जो विधि बताऊंगा, अगर आप उससे करेंगे तो डेफिनेटली आपको फैटी लिवर से निजात मिलती है। इस
विधि का प्रयोग कौन कौन कर सकता है? 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फैटी लीवर है तो इस विधि को आप रोजाना करेंगे, और अगर आपको फैटी लीवर नहीं है और आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको ये बीमारी ना हो, तो उसके लिए आप इस विधि का प्रयोग एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे सर कितने दिन करना है। अगर आपको फैटी लीवर है तो आप इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना देंगे, और अगर आपको फैटी लिवर नहीं है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन 3 महीने तक करेंगे, फिर 3 महीने का गैप देंगे और फिर से 3 महीने का कोर्स करेंगे। इसी तरह से आप लाइफ टाइम तक इस प्रोसेस को करते रहेंगे। अब बात करते हैं विधि क्या है। तो विधि बहुत आसान है। आपको सबसे पहले तो अश्वगंधा पाउडर कहीं से अरेंज करना है। आप कोशिश करें कि अगर आपको साबुत अश्वगंधा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा जहां से आप साबुत अश्वगंधा अमेजोन से ऑर्डर कर पाएंगे। साबुत होने की वजह से आपके उसके अंदर मिलावट होने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम हो जाती है। पाउडर होने पर उसके अंदर बहुत सारी मिलावट होना शुरू हो जाती है। सो अश्वगंधा पाउडर आप बना लें। एक ग्लास आपको पानी लेना है रात को सोने से पहले, और उस पानी के अंदर आपको एक चम्मच अश्वगंधा का डाल करके रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर जब ये छूटा रहेगा तो अश्वगंधा के जो प्रॉपर्टीज हैं, अश्वगंधा के जो गुण हैं, वो इस पानी में मिलना शुरू हो जाएंगे। और सुबह उठ करके आपको इस पानी को अच्छे से उबालना है इसी अश्वगंधा के पाउडर के साथ में। आपको तब तक उबालना है जब तक कि ये पानी आधा नहीं रह जाता। अब आप इसे अच्छे से छानिए, और छानने के बाद में आप इसके अंदर एक नींबू का रस अटैच कर दीजिए, डाल दीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर एक नींबू का रस डालते हैं, इसकी जो ताकत है वो और भी कई गुना बढ़ जाती है, और जो ये पाउडर जो आपका बचा हुआ है छानने के बाद में, इसको आप फेंक देंगे। इस लिक्विड को, इस ड्रिंक को आपको पीना है रोजाना सुबह सुबह। अगर ये आपकी पहली चीज हो जाए तो डेफिनेटली आपको ज्यादा रिजल्ट्स देगी। अगर आप इसको अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं ले पाते, अपने ब्रेकफास्ट के साथ में लीजिए, अपने लंच के साथ में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग लें, आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, राइट? सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई फैटी लिवर से जुड़ी हुई, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इसे भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत सारा वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए एनर्जेटिक फील करते हैं। आशा करता हूँ जिस तरह से आपने अपना प्यार इस चैनल को दिया है, वैसे ही आप आगे भी देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।